व्यूअर्स, रुमाना के किचन में अपनी प्यारी बहनों और भाइयों को वेलकम करती हूँ। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी स्पैक डिश लेके आए हैं, जो हम स्पैक डिश की रेसिपी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, उसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसमें स्पैक डिश शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैकेट हमने स्पैक डिश का लिया है, वो शामिल कर देंगे पानी में। और इसमें टू टीस्पून हम सॉल्ट शामिल करेंगे, बॉईल होते हुए 2 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर देंगे। नमक हम और इसको बॉईल होने देंगे। ये हमारे स्पैक डिश तैयार हो गए हैं, इसे हमें पकाते हुए 9 मिनट लग गए हैं। तो अब इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। डिश बॉईल हो चुके हैं और अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और मिक्स कर देंगे। इससे ये जुड़ेंगे नहीं और अलग अलग रहेंगी स्पैक डिश। एक कढ़ाई में हम ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल हम 4 से 5 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं। और हमने एक अदद बड़े साइज का प्याज लिया है, वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारे सोते हो गए हैं, अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ये भी साथ ही फ्राई हो जाएगा। 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन और प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम चिकन को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमने 300 ग्राम लिया है और इसको हमने लंबाई में कटिंग कर लिया है चिकन को। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद हमने टमाटर लिए बड़े साइज के, वो शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम केचप भी शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। बस इसमें हम अब स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्चियों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हमने नमक लिया वो शामिल कर देंगे। और इसको टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बंद गोभी शामिल करेंगे। बंद गोभी हमने 250 ग्राम लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम जरा तेज आंच पे ही फ्राई करेंगे। दो मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और फिर इसमें शिमला मिर्च को शामिल करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं बंद गोभी को फ्राई होते हुए और अब हम शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब शिमला मिर्च को भी साथ ही पकाएंगे इसके। अब हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच कर देंगे ताकि थोड़ी सी शिमला मिर्च भी नरम हो जाए। बिस्मिल्लाह। वो सब्जियां हम और चिकन हमारा तैयार हो चुका है, अब हम स्पैक डिश शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
वेजिटेबल्स जितनी भी हैं आपने जितनी रखनी है, जिस हिसाब से अगर थोड़ी थोड़ी कच्ची खानी है तो आप थोड़ा जल्दी डाल लें इस पैकेट। अगर आप गली हुई सब्जियों को पसंद करते हैं, नरम सब्जियों को, तो आप फिर थोड़ा सब्जियों को नरम करके और फिर शामिल करें। हमारी स्पैगेटीज और तमाम सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम ये वैसे पकी हुई सब हमारी है स्पैगेटीज, और इसको हम बस 2 मिनट के लिए कवर करेंगे और हमारी स्पैगेटीज तैयार हैं। बस अब हम अपनी डिश में निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैगेटीज हमारी बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हैं, बहुत अच्छी तैयार हुई हैं। व्यूअर्स ये देखिए हमारे मैक्रोनी तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स ये हमारे स्पैगेटीज तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।